हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शिवराज। आज के वीडियो में हम बात करते हैं मसाला बॉन्ड के बारे में। मसाला बॉन्ड जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट समझा जाता है जिसके थ्रू फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी इंडियन कंपनी जो कि फॉरेन थ्रू इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहती है वो ये मसाला बॉन्ड लॉन्च कर सकती है। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जिनको इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हो और इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट करना हो तो उनके लिए मसाला बॉन्ड एक बहुत ही इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट साबित होता है। मसाला बॉन्ड के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। मसाला बॉन्ड जो कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ग्रोथ मिल सके, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मसाला बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। मसाला बॉन्ड के पीछे एक दूसरा भी ऑब्जेक्टिव था, इंडिया की ग्रोथ को बूस्ट कर सके और बाहर से किसी भी इन्वेस्टर थ्रू बोरोइंग लेके आ सके और इंडियन रुपीस को इंटरनेशनलाइज कर सके, इसलिए मसाला बॉन्ड बनाया गया था। इंडियन रुपीस का नेशनलाइजेशन करने के लिए भी मसाला बॉन्ड बनाया गया था, क्योंकि जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट करता है तब डायरेक्टली इंडियन रुपीस की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, इसीलिए ये मसाला बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। जनरली जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट करता है तो इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन मार्केट में डे बाय डे फ्लक्चुएट होती है और चेंजेस होते रहते हैं। मसाला बॉन्ड में जो भी रिस्क बियर करना होता है वो फॉरेन इन्वेस्टर रिस्क बियर करेगा और जो ये बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ऐसी कोई कंपनी है उनके ऊपर ये रिस्क बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। मसाला बॉन्ड फर्स्ट टाइम इंडिया में जब आया था वर्ल्ड बैंक ने 2014 में इंडिया की ग्रोथ इग्नाइट करने के लिए मसाला बॉन्ड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था। 2014 में वर्ल्ड बैंक ने अपने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के थ्रू इंडिया में 10 साल के लिए 10 बिलियन इंडियन रुपीज बॉन्ड खरीदे थे और ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज किया गया था, जिसकी वजह से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी थी और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ मिल गई थी। इस इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडियन कैपिटल मार्केट का इंटरनेशनलाइजेशन हुआ था और मोबिलाइज हो गया था, जिसके थ्रू इंडिया की ग्रोथ होती जा रही थी। मसाला बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइन सेट की है। कोई भी कंपनी और कोई भी इंडियन बैंक मसाला बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर सकती है। मसाला बॉन्ड थ्रू जो भी फॉरेन कैपिटल इंडिया में आ रहा है उसको हम ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही लगा सकते हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी रियल इस्टेट में नहीं लगा सकते, ऐसी कुछ गाइडलाइंस RBI ने डिक्लेयर कर दी थी। मसाला बॉन्ड थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई है उनको किसी भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं दी गई थी। जनरली मसाला बॉन्ड में जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इस कंट्री से बिलोंग करना चाहिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसे कंट्री का ग्रुप है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज के गवर्नमेंट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है या फिर कोई भी फ्रॉडस्टर किसी और कंट्री में जाता है तो इस ग्रुप के कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प करती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन इस कंट्रीज के ग्रुप थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट आने वाली है वो मसाला बॉन्ड में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मसाला बॉन्ड के एक बेनिफिट्स भी है। मसाला बॉन्ड थ्रू हम इजीली फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आ सकते हैं। मसाला बॉन्ड में जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मसाला बॉन्ड थ्रू जो भी कंपनी कैपिटल रेज करना चाहती है उसको 7% इंटरेस्ट रेट से इजीली कैपिटल मिल जाता है। जनरली जब भी ये कंपनी इंडियन मार्केट थ्रू कैपिटल अरेंज करना चाहती है उनके लिए इंडियन बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत ही हायर होता है। जनरली ये इंटरेस्ट रेट 7.5% से लेके 9.5% तक होता है, इसलिए मसाला बॉन्ड थ्रू जो भी कैपिटल ये कंपनी अरेंज करने जाती है उनको इंटरेस्ट रेट 7% लगता है। जो भी इन्वेस्टर है जो कि आउटसाइड में है वो इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। HDFC, NTPC, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन ये कुछ कंपनीज है जिन्होंने मसाला बॉन्ड थ्रू कैपिटल रेज किया था और अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया था। जनरली ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही हम कैपिटल लेके आ सकते हैं मसाला बॉन्ड थ्रू। केरल गवर्नमेंट ने मसाला बॉन्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट लेके आने के लिए
और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी मसाला बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया था। जनरली मसाला बॉन्ड में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड फॉलो करना होता है, जो 50 मिलियन, जनरली कोई भी इन्वेस्टर $50 मिलियन तक इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए 3 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है। और कोई भी इन्वेस्टर जो कि $50 मिलियन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। मसाला बॉन्ड इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव टूल साबित है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।